नमस्कार, कैच हिंदी के फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की लेटेस्ट डेवलपमेंट का। कल अचानक से राज्यपाल द्वारा येदुरप्पा को सरकार बनाने का मौका दिया जाने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, जहां देर रात सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इतिहास में दूसरी बार रात को अभूतपूर्व सुनवाई की। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा उन्होंने बीएस येदुरप्पा और भाजपा से वो समर्थन पत्र मांगे हैं जिनका वो दावा कर रहे थे। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ आदित्य है। पहले तो मैं आदित्य आपसे जानना चाहूँगा कि कल जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई है, उसके बाद से अभी तक के जो सारे डेवलपमेंट है एक बार आप बता दीजिए। देखिए, कल जब शाम को राज्यपाल ने कर्नाटक में येदुरप्पा को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया, तो उसके बाद फिर कांग्रेस चुनौती देने के बाद पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम राज्यपाल के फैसले को पलट सकें। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप 15 मई का जो 15 दिन का सरकार का वो है बहुमत साबित करने का फ्लोर टेस्ट का, उसको आप सुनवाई उसके लिए हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुनवाई कल होगी, कल यानी शुक्रवार को 10:30 बजे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कही कि येदुरप्पा को सरकार बनाने का मौका दिया जाए, और उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए सहमति दी। दूसरी चीज़, आज 2 बजे उन्होंने 2 बजे तक कहा था कि येदुरप्पा को वो चिट्ठी देनी होगी जो उन्होंने राज्यपाल को सौंपी थी विधायकों की। तो इस तरह से ये चीज़ें इतनी घटी। आदित्य, हम बार बार बात कर रहे हैं राज्यपाल की भूमिका को लेकर, पिछले हमारे 2-3 फेसबुक लाइव में हमने बात करी। अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक डिसीजन दिया, या आप कह सकते हैं कॉमेंट किया आज एक, कि हम राज्यपाल के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते और राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार है। अब वहीं दूसरी तरफ जेडीएस कांग्रेस लगातार कह रही है कि राज्यपाल ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, एक उनने सीधे आरोप लगाया है कि वो केंद्र सरकार की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में जो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट कल जब 10:30 बजे दोबारा सुनवाई के लिए बैठेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या चीज़ें होंगी जिसके आधार पर वो एक तरफ कह रही है कि राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार है, तो वो किन चीज़ों को लेकर डिसीजन दे सकती है? आपको लगता है कि यहाँ से कुछ घटित हो सकता है, या वो थोड़ा समय कम कर दे, टाइम जो 15 दिन का है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, या फिर उसे लगता है कि कांग्रेस जेडीएस के पास बहुमत है, तो इस परिस्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? देखिए, कल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस की तरफ से वकील थे, उन्होंने पूछा भी कि आप ये असंवैधानिक, ये सही नहीं है और राज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज थे, 3 जजों की पीठ थी, उसमें ए के सीकरी, अशोक भूषण और ए ए वोटबे, ये 3 नाम थे जिन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को कहा कि आप ये इस चीज़ को हम बदल नहीं सकते क्योंकि इसका हमारे पास कोई अधिकार नहीं। दूसरी चीज़, कल आप 10:30 बजे की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, और इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जो संविधान विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने बताया है राय व्यक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ इसमें कर नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा उनके विधायकों की सूची मांगेंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले, हाँ ये है कि जो 15 दिन का समय राज्यपाल ने दिया है उस पर सुनवाई करके उसको कम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम ही करेंगे। लेकिन आपकी बात आपने जो कही ना कि कम करने के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं, हमने ये बॉम्बे केस में देखा है, जब कांग्रेस की सरकार के टाइम 4-5 सरकारें गिराई, कांग्रेस का भी अपना एक इतिहास रहा है सरकारें गिराने का, तो उस टाइम देखा गया कि किसी समय, जैसे जो पहले फ्लोर टेस्ट वाली बात की थी, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है बॉम्बे केस में। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि एक बार ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश में ये शायद ये चीज हुई थी, तो उसके बाद, तो अब आपको क्या लगता है, कल मैं वही कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा आ गया मेरिट, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच कर ही कल कुछ चीजें जानने की उससे सुनवाई बड़ा ही होगी, वरना जैसे आप कह रहे कि वो ये कह के भी खारिज कर सकती थी, कि या ये कह के इसको ख़त्म कर सकती थी कि राज्यपाल, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब कांग्रेस जेडीएस की तरफ से किन बिंदुओं को, लेकिन आपको एक दिलचस्प टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी थी कि अगर कल की जिरह आपने सुनी होगी, तो उसने बोला था कि अगर कांग्रेस और जेडीएस के पास विधायक हैं और भाजपा के पास इतने विधायक हैं, तो विधायक तो वहां बच ही नहीं रहे, तो विधायक आ कहां से रहे,
तो वो जोड़ तोड़ पे कोई कमेंट, मेरा कहने का मतलब है कि जो एक राजनीति की स्वच्छता की बात होती है वो कुछ जोड़ तोड़ को लेके तो कल कुछ कमेंट नहीं करने जा रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर सकती है इस पे, ये अलग चीज़ है, लेकिन जोड़ तोड़ पे तब तक जब तक कि चीज़ें सामने नहीं आती, चीज़ें दिखती नहीं है, तो अब चूंकि विधायक है तो वो अपनी मर्जी से, पहले भी होता, पहले भी हमने देखा है कि कोई भी विधायक अपनी मर्जी से किसी पार्टी के साथ चला जाता है, कई राज्यों में ऐसे हुआ है, ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता है। हालांकि राज्यपाल का फैसला है और राज्यपाल का एक विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी अपने विवेक के आधार पर वो बड़ी पार्टी को बुलाना चाहे या फिर जो अलग गठबंधन वाली पार्टी उसको बुलाना चाहे, लेकिन ये कानून, ये संवैधानिक है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी को राज्यपाल सबसे पहले प्रायोरिटी। देखिए अब आपने बात करी संवैधानिक जो राज्यपाल का विशेषाधिकार, लेकिन जब कांग्रेस जेडीएस जब जा रही है, कांग्रेस जेडीएस बार बार आज की जिले में भी वो गोवा याद दिलाती है, वो मिजोरम याद दिला रही है, वो मेघालय याद दिला रही है, जहां पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट भी किया कि आपने आने में देरी कर दी। तो मेरा सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट खाली इसको इस व्यापक तौर पर देखेगी कि सबसे बड़ा दल होने के नाते इसे बुलाया जाना चाहिए, या फिर उससे आगे वो कुछ सवाल ऑब्वियसली केंद्र सरकार से भी कर सकती है या भाजपा से भी कर सकती है कि आपके राज्यपालों ने एक ऐसी यहाँ पर नज़ीर पेश करी है। मैं उसी स्थिति की बात कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि एक बीच का कोई सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि कोई एक निर्णय वो दे जिससे आगे कोई नज़ीर पेश हो? अब इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का कल 10:30 जो वर्डिक्ट आएगा उसी में पता चलेगा, फिलहाल अभी वैसा कुछ साफ होता नज़र आ नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, अब बस यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी मांगी है, चिट्ठी में अगर उन्होंने विधायकों को दिखा दिया कितने विधायक हमारे पास है, नाम इतने नाम है, अब उन विधायकों से सामने तो बुला के पूछताछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ। अब एक तरफ, अब मैं आपसे चलिए इधर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा, अब कर्नाटक की सियासी ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड ये है कि आज 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर येदियुरप्पा ने शपथ ले ली है, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, अभी भी उनके पास जो आंकड़ा बताया जा रहा है 104 उनकी अपनी सीटें हैं, और वो जो दावा कर रहे थे कि उनके पास दो निर्दलीय हैं, उनमें से बताया जा रहा है कि एक निर्दलीय आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था विधानसभा के बाहर इस पूरे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, सॉरी राज्यपाल के, तो अब आपको कैसे, अब आपको क्या लगता है कि कहां से ये संख्या जो जुटने की बात हो रही है, अब फिर वही सवाल आएगा जुटेगी कहां से संख्या? देखिए 104 विधायक बीजेपी के पास है, 78 विधायक लगभग कांग्रेस के पास है, 37 विधायक जेडीएस के पास है, एक बसपा का विधायक है, एक विधायक निर्दलीय है और एक कर्नाटक प्रज्ञावंत पार्टी है उसका है। बीजेपी ने कहा था कि दो विधायक, 104 मेरे हैं, दो विधायक और हैं जो मुझे समर्थन कर रहे हैं, वो एक निर्दलीय और एक जो दूसरी पार्टी है छोटी पार्टी उसके। आज प्रदर्शन में आपने देखा कि वो शामिल हुए थे, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है वो लिंगायत समुदाय, लिंगायत समुदाय से येदियुरप्पा आते हैं और येदियुरप्पा का अच्छा खासा प्रभाव है, कांग्रेस द्वारा अलग धर्म का दर्जा देने के बाद भी लगभग 60-65% वोट लिंगायत समुदाय ने बीजेपी को किया। अब जेडीएस में और कांग्रेस में लिंगायत समुदाय के विधायकों की अच्छी खासी संख्या है, लगभग 4-4-8। नहीं देखिए ना, बात यही हो रही है, अब आपने ये तो बात करी, लेकिन जो ये दिख रहा है ना कि एक फिर राजनीति जो हो रही है रिजॉर्ट में ले जाया जा रहा है, अब रिजॉर्ट के बाद एक खबर जैसे आ रही है कि एक विधायक का पता ही नहीं है, मीडिया में जो खबर है पुष्टि हम भी नहीं कर सकते, ये मीडिया रिपोर्ट्स है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये इतना जो आपको क्या लगता है कि राज्यपाल ने जो इतना समय दिया, अब राज्यपाल ने एक फैसला दे दिया और हमारा भी एक हम विवेचना एक आलोचना या विवेचना आप जो भी कर सकते हैं कि राज्यपाल ने जो 15 दिन का समय दिया, आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा है ये समय? 15 दिन का समय जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है, और 15 दिन का समय देने को मतलब ये है कि जरूर इसमें खरीद फरोख्त की या फिर लालच देने की या फिर किसी तरह की इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी इसमें हम, मैं कह सकता हूँ कि लिंगायत समुदाय का जो के जो कांग्रेस और जेडीएस में विधायक हैं उनको किसी ना किसी तरह से बीजेपी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ये कह के कि आपके समुदाय के येदियुरप्पा आते हैं और आप अगर आएंगे तो इससे हमारे समुदाय को बढ़ावा मिलेगा या फिर हमारे समुदाय का विकास होगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती। नहीं लेकिन अब आप देखिए बात, हम बार बार हॉर्स ट्रेडिंग में इसलिए मैं जा रहा हूँ, इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, अब ये खेल जो आप कह रहे हैं ना, इतर भाजपा दावा कर रही है, आज फिर जेडीएस ने बोला कि जब हमारा जो सिद्धरमैया ने बोला कि आज जब वो प्रदर्शन में थे हमारे पास पूरे 118 हैं, और कल आपको जेडीएस का बयान याद होगा कि वो अगर हमारे एक तोड़ेंगे तो हम उनके ज़्यादा तोड़ेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि जो खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है, अभी ये जो एक ना राजनीति में एक चलन बन गया है कि आप पिछले कई, चाहे आप उत्तराखंड की एक राजनीति, उत्तराखंड में रिसोर्ट में उस टाइम भी लोग आए थे, गुजरात में अहमद पटेल के लिए भी आए थे, तो अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से जो कर्नाटक की राजनीति जा रही है वो किस तरफ जा रही है? देखिए आप खरीद फरोख्त की बार बार बात कर रहे हैं,
मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल एक खबर आई थी कि कांग्रेस के दो विधायक गायब हैं, उसके बाद आज एक खबर आई कि दो और गायब हो चुके हैं। तो ये आप खरीद फरोख की बात करें, लेकिन बेल्लारी से तीन विधायक है कांग्रेस के, वो बेल्लारी के रेड्डी बंधु जो बीजेपी की तरफ, एक को तो कांग्रेस भी मान चुकी है कि वही जाएगा, बीजेपी के रेड्डी बंधु की तरफ उनका बड़ा आकर्षण है। तो आप खरीद फरोख की बात करें वो ठीक है, लेकिन तब तक वो चीज़ें सही नहीं मानी जाएंगी जब तक वो कैमरे में नहीं आती, जब तक वो सामने नहीं आती, या जब तक वो विधायक खुद ना एक्सेप्ट कर ले या पैसे ना दिखाए। तो आप, हम सिर्फ कह सकते हैं, बातें बोल सकते हैं, उसके अलावा हम सिर्फ नहीं, आदित्य तुम्हारी बात ठीक है, हम बातें कह सकते हैं, लेकिन देखिए अब जो पर्दे के पीछे खेल होता है, बस सबूतों के आधार को अगर छोड़ दिया जाए तो हर कोई जानता है कि अब क्या होने वाला है वहाँ की राजनीति में, अब कुर्सी के लिए। बस मेरा एक सवाल आपसे इसके साथ ये भी है कि जो अब देश में ना एक नई प्रचलन शुरू हो गई, विपक्ष में कोई नहीं बैठना चाहता, हर किसी को सत्ता चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको डिटेल्स में, आपके मुंह में शब्द नहीं डालना चाह रहा हूं, थोड़ा आपसे समझाइए, जब एक चुनाव अब होता है विधानसभा का, किन परिस्थितियों में चुनाव होता है, एक विधायक कैसे चुनाव लड़ता है और उसके बाद उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस रह जाती है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जहां तक इस चुनाव की बात है, कांग्रेस ने बड़ी जल्दी कर दी थोड़ी सी मेरे हिसाब से, उसे वो बाद में बहुमत साबित कर लेती उनको गठबंधन को लेके, उसे ना बीजेपी को सरकार में या जाने के लिए मौका देना चाहिए था, फ्लोर टेस्ट का मौका। उसके खुद विधायक भाग रहे हैं, उन वो खुद अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही जेडीएस के साथ, जबकि ऐसा नहीं है। और एक विधायक का अगर चुनाव लड़ने की बात करें तो शुरुआत करता है वो कहीं से अपनी, मैं उस सब चीज पे आना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप बात करें उन खर्चों को लेके, कि विपक्ष में क्यों नहीं बैठना चाहता। पार्टी भी कहीं ना कहीं अंदरूनी ये बातें उठती रहेंगी, पार्टी उनसे पैसा लेके टिकट देती है, उसके बाद फिर वो अपने क्षेत्र में लोगों के पास जाते हैं वोट के लिए जाते हैं, तो दारू और चीज़ें, रिश्वत, इन सब चीज़ों से वो किसी तरह से वोट अरेंज करता है। अगर उसकी अपनी कोई बड़ी पहुंच नहीं है या फिर बड़ा उसका नाम नहीं है, इस तरह से चीज़ें वो अरेंज करता है। उसके बाद चुनाव में इतने खर्चे हैं, उन चीज़ों को लेके फिर वो किसी तरह से विधायक बन पाता है, और जब विधायक बनता है तो उसको मंत्री पद चाहिए, मंत्री पद नहीं मुख्यमंत्री चाहिए। तो अगर ये चीज़ें अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर वो लालच की तरफ। और ये इस पूरे आप जो चल रहा, फिर मैं थोड़ा बयानबाजी पे भी आना हमें बहुत ज़रूरी होगा कि वो ठीक है कि ग्राउंड पर जो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया, उसके अपोक्ष में आगे शाह ने फिर एक परिवार उनको याद दिला दी, कांग्रेस की विरासत याद दिला दी। लेकिन आदित्य बार बार सवाल ये उठ रहा है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनादेश के साथ ऐसा, आपको आपका व्यक्तिगत राय समझिए कि आपको को लगता है कि जो आप जनादेश की बात कर रहे हैं, ये न्याय कर्नाटक की जनता के साथ इस पूरे केस में कितना हो रहा है? वही तो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो 36% वोट बीजेपी को मिला, 39-38% लेकिन हमारे यहाँ सीट से जीते जाते हैं, वोट शेयर ठीक है हमारे यहाँ सीट से। तो अगर आप इस दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर वोट शेयर की बात करें तो ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, लेकिन ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कहती थी 2014 के, ज्यादा सीटें बीजेपी को मिले। अब बीजेपी के पास 104 सीटें, सिर्फ 8 विधायक उसके पास कम है, पहला हक भी उसका ही बनता है, पहला हक उसी का बनता है, और जनता ने भी बदलाव के लिए ही वोट किया है जिस तरह से अगर देखा जाए। तो इस तरह से अगर जनता की बात करें तो जनता को कहीं कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ राजनेता बचे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स बची, रणनीति कूटनीति पैसा कर। और आदित्य मेरा एक और सवाल है भाजपा से, इतर मैं सोच रहा हूँ भाजपा अगर सरकार बना लेती है तो आसानी से कोई वो दो राय नहीं है कि शायद 5 साल सरकार चलेगी अगर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता वहाँ की राजनीति में, लेकिन जो कांग्रेस और जेडीएस का बेमेल गठबंधन आप कह सकते हैं अभी जो सत्ता के लिए कहा जा रहा हो रहा है, सॉरी सत्ता के लिए कहा जा रहा हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कर्नाटक को ये दो मिल के स्थिर सरकार दे पाएंगे? नहीं, देखिए जिस तरह से कांग्रेस कई राज्यों में ख़त्म होती दिख रही है, और कई राज्यों में क्या जितने भी चुनाव हो रहे हैं लगभग कांग्रेस वहाँ पे दूसरी तीसरे चौथे पांचवें छठवें नंबर की पार्टी बन रही है। तो ये एक थोड़ा सा उसने गेम खेला था कि हम ख़त्म हो रहे हैं तो चलो इसको मंत्री मुख्यमंत्री बना देते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा और हमारा लेकिन इससे क्या होगा कि जनता को तीसरी पार्टी जो सबसे छोटी है उसका मुख्यमंत्री मिलता। हाँ चल सकती थी 5 साल कांग्रेस को भी लाला से उसको 2019 मैं फ्लैट क्वेश्चन करूंगा, कितने साल आपको लगता है सरकार चलेगी ये जेडीएस और बीजेपी की? तो जेडीएस और कांग्रेस का अगर ये गठबंधन बाई चांस को सुप्रीम कोर्ट से निकल अपनी महत्वाकांक्षा, आपको पिछला इतिहास देख के, जैसे कि हम बिहार चुनाव की बात करें, जब क्षेत्रीय पार्टियों का जब गठबंधन होता है, बिहार चुनाव की बात 2015 में चुनाव हुआ, 1-1.5 साल नहीं, 1.5 साल महागठबंधन हुआ, उसके बाद फिर उनकी महत्वाकांक्षा राजद की जगने लगी, राजद के नेता उल्टे सीधे काम
तथाकथित करने लगे, तो उस तरह से आप मतलब महागठबंधन को ऐसा नहीं कि चली नहीं है सरकारें, बहुत सारी सरकारें चली हैं गठबंधन बना के कई पार्टियों के साथ, तो इस पर तभी कह सकते हैं जब ये चीज़ें सामने आती हैं। अब आदित्य, राज्यपाल की भूमिका को लेकर बार बार बात, आपको देखिए एक प्रथा हमारे देश में चली आ रही है राज्यपालों का दुरुपयोग, चाहे कोई सी सरकार रही हो। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस और भाजपा इसमें कोई पाक साफ नहीं है, लेकिन क्या नहीं लगता कि आपको एक समय आ गया है कि अब राज्यपाल की भूमिका पर ठोस तरीके से बात होनी चाहिए। अमूमन ये देखा जाता है, एक सरकार आती है, अपने कुछ लोगों को पर्टिकुलर जगहों पर लाती है, और उससे विशेष तौर पर राज्य सरकारें ये बहुत ध्यान रखती हैं कि इस जगह चुनाव होने वाला है। देखिए, यहाँ राज्यपाल के एक फैसले से ज़्यादा राज्यपाल के नाम को भी लेकर एक आपत्ति है, क्योंकि उस राज्यपाल का एक अपना इतिहास रहा है कि, और कहा तो ये तक जा रहा है कि 22 साल पहले जो खेल देवगौड़ा ने किया था वो आज यहाँ उनको उसका वापस बदला लिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब राज्यपालों को लेके दोनों दलों को, खैर उनसे उम्मीद तो इस बात की हम नहीं करनी थी हम लोगों को, लेकिन आपको क्या लगता है फिर भी अब एक सच्चाई है सुप्रीम कोर्ट में, क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट, कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को भी कल अपने व्यापक जगह दे सकता है, एक बेंच बड़ी बना सकता है जो संवैधानिक तौर पर ये डिसाइड करे कि ये चीज़ें कैसे हों, जैसे कॉलेजियम को लेके उन्होंने अपने जज को ऐसी एक राज्यपालों की नियुक्ति लेके कुछ ऐसा हो कि आप इतने समय से पहले नहीं हटा सकते या इतने समय तक वहाँ कम से कम आपको रखना होगा जब तक आप पर कोई ठोस आरोप ना मिले। देखिए, राज्यपाल को जरूर एक संवैधानिक पद कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो संवैधानिक से ज़्यादा राजनीतिक पद है, और पहले से मतलब शुरुआत से कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा, कोई दामन किसी का पाक साफ नहीं। राज्यपाल का 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अगली सरकार आती है तो वो कर दो 5 साल का कार्यकाल होता है। अच्छा, लेकिन अगली सरकार आती है तो उसको वो हटा देते हैं, यानी पिछली अगर पार्टी का राज्यपाल है तो वो अगली पार्टी या फिर बहुत छोटे स्टेट में भेज देते हैं जहाँ चुनाव नहीं होने वाले होते बड़े दूर। ज्यादातर तो हटा ही नहीं है, ज्यादातर तो आप देखेंगे कि बीजेपी आई थी सत्ता में या फिर कांग्रेस 2009 में, तो उसने पूरे राज्यपालों को चटनी कर दिया था, और अभी बीजेपी आई तो उसने पूरे लगभग RSS या तो बीजेपी के राज्यपाल या तो नेता ऐसे इनको राज्यपाल बना दिया। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि वो संवैधानिक पद होता है, मुझे लगता है वो राजनीतिक पद ज्यादा होता है, और एक राज्यपाल की एक पार्टी है तो वो थोड़ा सा तो उसको अपनी पार्टी की तरफ झुकाव होगा। और दूसरी चीज, जहां तक आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल की भूमिका पर कल सवाल उठा सकते हैं, कुछ चीजें कह सकते हैं, लेकिन कि रास्ता अब समाधान का समय में फिर व्यापक इसको कर्नाटक के प्रस्पेक्टिव पे देखने की जरूरत नहीं, इसको इतिहास एक जो मैं कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि आप उस पर व्यापक तौर पर एक बहस हो, है ना, उसमें केंद्र सरकार का भी पक्ष लिया जाए, राज्य सरकारों का भी पक्ष लिया जाए, हो सकता है तो कोई MS Curie को भी उसमें लेके आया जाए जो MS Curie सलाह दे कि भैया इस चीज़ों में ये हो सकता है। तो मेरा सवाल यही है कि क्योंकि ये जो विवाद उठ रहे हैं ना, पिछले कुछ समय से मैंने आपको बोला जो अब राजनीति का चलन हो गया, विपक्ष के लिए दायरा लगातार सीमित हो रहा है। आदित्य, तो आपको क्या लगता है कि अब, क्योंकि देखिए एक जो लोकतंत्र है उसमें एक पक्ष सत्ता होती है और विपक्ष होता है, और दोनों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, और आपको याद होगा कि इस देश में विपक्ष ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है, चाहे वो आपातकाल का दौर रहा हो या उससे पहले बहुत बहुत दौर हमने देखे हैं। तो मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि अब क्योंकि ना जो राजनीतिक शुचिता की बात होती है बार बार कि भैया धन बल बाहुबल जो साफ दिख रहा है, तो अब और ये उम्मीद हमारे ख्याल से अब सुप्रीम कोर्ट से ही की जा सकती है क्योंकि अंतिम द्वार वही कहा जाता है, तो उस पे अब आपको लगता है कुछ होने वाला है या फिर एक तरीके से ये सिर्फ एक नॉर्मल एक तरीके से सुनवाई होगी, इसको यहीं कहीं थाम दिया जाएगा? देखिए, अगर आप राज्यपाल की भूमिका, मुझे लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई बड़ा वर्डिक्ट देगा, क्योंकि राज्यपाल ने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि जिससे कि उस पर उंगली। मैंने क्या बोला, आप एक केस नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ कि अब पिछला चलन है, मैंने अब क्योंकि अब व्यापक तौर पे देखने की जरूरत है। मैं इस केस में तो जहाँ तक साफ लगता है कि राज्यपाल संवैधानिक तरीके से हर तरीके से भी राज्यपाल पे सवाल शायद ही कोई उठते हैं। फिलहाल तो हम अभी सवाल सुप्रीम कोर्ट पे भी उठाए जा रहे हैं, CJI पे उठाए जा रहे हैं, और उत्तराखंड वाले मैटर पे देखा गया कि राष्ट्रपति पे भी सवाल उठाए गए थे, राष्ट्रपति पे सवाल उठाने के बाद भी उस तरह की चीज़ें रुकी नहीं है, उसके बाद भी होती रही हैं, तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि रुकेंगी। तो आदित्य, कल भी हम आपसे इस बारे में बात करेंगे, तो मैं आपसे जाते जाते कमेंट लेना चाहूँगा, क्या आपको लगता है येदियुरप्पा सरकार बना लेंगे? मुझे क्या लगता है कि येदियुरप्पा, कल तो कुछ होना नहीं है, 15 दिन या तो बहुत समय है उनके पास, जितने दिन का समय मिला है उसमें फ्लोर टेस्ट जब होगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 104 विधायक तो हैं, जो 2-4 विधायक इसमें आ पाए, अगर नहीं आएंगे तो ऐसा होगा कि
कांग्रेस के कुछ विधायक वो फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हो, अल्पमत की सरकार एक चली, इस तरह से एक अल्पमत की और 6 महीने वो तब तक कुछ होगा नहीं, उसके बाद फिर कितनी चीजें क्या होती है क्या नहीं होती। तो आदित्य बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसे देखा कि कर्नाटक का जो नाटक चल रहा है इसमें अभी बहुत कुछ होना बचा है, कल सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कल की सुनवाई में क्या चीजें सामने लेके आता है, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि येदुरप्पा को 15 दिन का समय मिलता है या उन्हें कम समय मिलता है, या सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि कांग्रेस और जेडीएस के पास समर्थन पत्र है तो सरकार इनकी बननी चाहिए। हम आगे भी आपको कर्नाटक के इस नाटक पर अपडेट देते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए कैच हिंदी।